कॉर्ट है ना अभी वहां पे क्लिक करने से क्या मिलेगा हमें हम टाइप कर सकते हैं हमें तो चाहिए पावर पॉइंट देखो आ गया है वी आर क्लिक ऑन दिस पावर पॉइंट ओके सो अभी क्लिक करने से आपको ये नया वाला पेज आता है इस पेज का नाम क्या है बताइए मुझे हम लोगों ने इतने सारे सेशंस में देखा था ए, ए हर एक पेज ऑफ पावर पॉइंट कॉल्ड एस वेरी गुड स्लाइड हर एक पेज ऑफ अ पावर पॉइंट इज कॉल्ड एस अ स्लाइड सो अभी इस स्लाइड में हम लोग चार्ट इंक्लूड करना चाहते हैं हम लोगों ने इतना सारा लेआउट्स देखा है है ना आप तो देखें ले आउट्स कैसे होंगे लेआउट्स होंगे टाइटल स्लाइड होंगे या फिर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होंगे या सेक्शन हैडर सो ऐसे वाले लेआउट्स हम देख चुके हैं मगर आज तो हमें चार्ट इंक्लूड करना है सो so हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड चूज करते हैं ओके okay? कैसे ब्लैंक स्लाइड चूज कर सकते हैं वहां पे जाके क्लिक करना पड़ेगा लेआउट पे लेआउट में क्लिक करने के बाद ब्लैंक क्लिक करना है और ब्लैंक स्लाइड आ, जा, आ जाएगा और राइट सो अभी ब्लैंक स्लाइड है अभी चार्ट को हम लोग डालना चाहते हैं ये कौन सी टैब में होगा यूजली पिक्चर्स पिक्चर्स या साउंड फाइल्स या आपको जो कुछ ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए कौन से टैब में हम जाएंगे हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे वेरी गुड सो पहले क्या करते हैं हम लोग इंसर्ट को क्लिक करते हैं हम लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी देखा था है ना टेबल देखा था पिक्चर देखा था आर्ट देखा था और फोटो एल्बम देखा था शेप्स स्मार्ट आर्ट सब कुछ देखे थे सो so, आज देखने वाले हैं चार्ट सो क्लिक ऑन द चार्ट अभी क्लिक करने से क्या होता है देखो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ये टाइप्स ऑफ चार्ट किसके लिए आता है पहला वाला है कॉलम टाइप दूसरा वाला है लाइन टाइप नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट देखो पाई तो ऐसा होगा पाई देखे है ना आप लोग एप्पल पाई पाइन ऐपल वो सब हैता है ना पाई जो खाते हैं हम लोग वो वाला चार्ट एक राउंड से होगा और बाइफकेशन होगा और उसके बाद जो है बार चार्ट और उसके बाद है एरिया चार्ट इसके बाद है एक्स वाई स्कैटर ये तो पॉइंट स्कैटर है और ये तो स्टॉक है ओके स्टॉक चार्ट सरफेस चार्ट ओके डोनट चार्ट डोनट भी खाने का ही है जो रिंग जैसा रहता है ना बीच में से होल होगा और आउटर सर्कल भी होगा डोनट ये है बबल और ये है रेडार चार्ट ओके So, आज तो हम दो टाइप्स ऑफ चार्ट देखते हैं एक है कॉलम चार्ट और दूसरा है पाई चार्ट ओके कॉलम चार्ट को क्लिक करके ओके okay कर देते हैं अभी देखो क्या सब इंसर्ट होगा इसमें हमने तो कॉलम ही सिर्फ कॉलम चार्ट ही इंसर्ट किया ये क्या आ गया ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है कहाँ से आ गया जब कभी हमें चार्ट क्रिएट करना है ऑलवेज वी विल हैव टू एंटर डेटा डेटा का मतलब है चार्ट में जो कुछ दिखाना चाहते हैं वो डेटा कहते हैं और वो डेटा को इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं तो चार्ट दिखेगा ही नहीं ओके okay? सो so अभी देखो ये सब कुछ होता है ये सब कुछ होता है कैटेगरीज ओके okay? ये होता है वैल्यू एक्सेस इसे क्या कहते हैं वैल्यू एक्सेस इसे कहते हैं कैटेगरी एक्सेस इसे क्या कहते हैं कैटेगरी एक्सेस जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनता है इसे कहते हैं कैटेगरी एक्सेस और जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है इसे कहते हैं वैल्यू एक्सेस ओके सो अब क्या हो गया यू आर सपोज टू एंटर सर्टन डिटेल्स अभी फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मैं आ, तीन जनों का प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रही हूं और राइट right? देखो सीरीज वन सीरीज टू सीरीज थ्री अभी यहाँ पे जो है सोचो कि हम लोग चार जन ले रहे हैं ओके okay? सो so, ये होगा हमारा चार्ट देखो इसमें चेंज हो गया है सो so, हम लोग तीन जन का तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रिपोर्ट लेने वाले हैं देखो अभी टाइप करने से आपको समझ में आ जाएगा पहला वाला है आरिव दूसरा वाला है रुशाली तीसरा है रौनक ओके, okay? सो so, अभी ये पहला है इंग्लिश सीरीज uh, तो मार्क्स कन्वर्ट कर देंगे इसे रह, लिखते हैं इंग्लिश इसे मैथ, ओके okay? और इसे लिखते हैं साइंस, ओके, सो अभी देखो ये सब यहां पे भी बदल गया क्योंकि हाँ, हम लोग ये डेटा के हिसाब से ही चार्ट बनाते हैं सो so, जो कुछ डेटा यहां पे है वही यहाँ पे चार्ट जैसा बनता है सो ऑलवेज वेनवर यू वॉन्ट टू चेंज द चार्ट हमें तो यहाँ पे ही चेंज करना पड़ता है ओके ओके सो अभी रैंडम सा मार्क्स एंटर करेंगे और राइट यहाँ पे सोचो 90 है यहाँ पे 78 है और उसके बाद फिफ्टी 58 और उसके बाद 68 और उसके बाद 76 और एटी 90, और एट ओके सो देखो अभी चार्ट बन गया है ओके okay? हम लोगों ने कौन सा चार्ट क्रिएट किया हम लोगों ने एक स्टूड एक क्लास में तीन स्टूडेंट का कंपैरिजन किया ऑलवेज रिमेंबर एक चार्ट जो है हमें कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है किसके लिए कंपेयर करने के लिए जिसे इससे जो बड़ा है इससे जो छोटा है वो वाला कंपैरिजन लेता है ओके okay? सो so, अभी ये तो करेक्ट हो गया है हम लोग ने तीन जन का नाम लिखा ये तीन जन का नाम यहाँ पे आ गया और इंग्लिश मैथ साइंस सो इंग्लिश में कितना मार्क्स मैथ्स में कितना मार्क्स साइंस में कितना मार्क्स ये तो ले लिया मगर आपने देखा था क्या यहाँ पे तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स में थे जीरो आई मीन बहुत ही कम नंबर थे जीरो से नाइन और टेन थे मगर देखो अभी हंड्रेड आ गया कैसे क्योंकि यह चार्ट है जो वैल्यू एक्सेस कैसे बनता है कि यहां पे से जो मोस्ट बिगेस्ट है जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे भी ज्यादा वैल्यू एक्सेस बना देगा सो अभी हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है नाइनटी है सो so, दस और ज्यादा डाल के ये वैल्यू एक्सेस बना दिया ये एक्सेस का नाम क्या है वैल्यू एक्सेस सो जीरो टू हंड्रेड ये अपने आप ले लिया हम लोगों ने कुछ किया था क्या नहीं हम लोगों ने कुछ नहीं किया था यहाँ पे यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू था वहां से कंप्यूटर ही ले लिया था और सो right? so अभी ये चार्ट रेडी है क्या कर सकते हैं हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज कर देते हैं और देखो ये बन गया है चार्ट है ना हाँ देखो यहाँ पे जो कलर्स हैं वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं हम लोग तो बार चार्ट में देखते हैं हम लोग को पता चलेगा कि ये तो बड़ा है ये बहुत छोटा है ये इससे भी ज्यादा है ये सब हम देख सकते हैं मगर जो कलर्स हैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इसका नाम होगा लेजेंड इसका नाम होगा legend. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट जो जिसको करेगा कि यहाँ पे जो जो बार्स हैं इसे सब अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट करेगा सो so, कहाँ पे भी ब्लू कलर का बार है वहां पे सब इंग्लिश का मार्क्स है कहां पे भी रेड कलर का बार है वहां पे सब मैथ का मार्क्स है और कहाँ पे भी ग्रीन कलर का रहा है वहां पे सब साइंस का मार्क्स है सो so अभी देखो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इजी बन जाता है अभी मैथ्स में दो जन 90 लिए हैं एक है आरिव और दूसरा है रौनक है ना सो so साइंस में कौन हाईएस्ट है हाईएस्ट तो रौनक है क्योंकि देखो ये सब बहुत नीचा है और ये ऊपर है है ना सो so रौनक है हाइस्ट और देखो कौन सी है कौन है हाइएस्ट इंग्लिश में देखते हैं हाँ वो भी रौनक है सोचो so, कि आ, मुझे लास्ट चाहिए कौ, कौन है वो बहुत ही कम मार्क लिया है वो देखेंगे तो वो क्या होगा वो इंग्लिश में आरिब होगा और साइंस में कौन होगा रुशाली होगी और मैथ में कौन होगा वो भी रुशाली होगी ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन करने से क्या होता है हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओके okay? सो so, अभी एक तो हो गया देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ चार्ट कैसे करते हैं ओके okay? सो so, अभी राइट क्लिक right करो न्यू स्लाइड करो हर एक बार राइट right क्लिक करके न्यू स्लाइड करने से क्या मिलता है हमें जो लेआउट पहला वाला स्लाइड में है वही लेआउट दूसरा वाला स्लाइड में भी आ जाएगा इज दैट क्लियर ओके सो अभी क्या करना है हमें तो दूसरा टाइप का चार्ट चाहिए तो वापस कहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब चार्ट और मैं लेने वाली हूँ पाई चार्ट और क्लिक कर रही हूँ ओके देखो वापस पाई का यहाँ पे आ गया ओके सो अभी देखेंगे ये मैन्युफैक्चर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक कंपनी है उसमें फर्स्ट क्वार्टर उसका मतलब है टिल क्वार्टर का मतलब क्या है फोर मंथ्स अप्रैल ट अप्रैल, ओके अप्रैल के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ओके सो जनवरी के बाद फेबरवरी मार्च अप्रैल मई ओके सो ऐसे कर सकते हैं हम लोगों को ये क्वार्टर नहीं महीने का टारगेट होगा शायद सोचो कि अप्रैल सितंबर जनवरी और मई इसमें आपको टारगेट दिखाना पड़ता है तब क्या कर सकते हैं सेल्स को बढ़ा देते हैं यहां पे डालते हैं 90 यूनिट सेल हुआ है ओके okay? और यहाँ पे वी हैव आ, 85 यूनिट्स और जनवरी में फिफ्टी एट यूनिट्स और मे में थर्टी यूनिट्स इतना सारा सेल्स हुआ है हमें ओके सो so, देखो ये तो चार्ट है सेल्स का चार्ट है और हम लोगों ने ये कैटेगरी को बदल दिया यहाँ पे आपको वैल्यू एक्सेस है क्या वैल्यू एक्सेस दिख रहा है यहां पे नहीं यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेस नहीं है क्योंकि ये तो पाई चार्ट है पाई चार्ट में सिर्फ सेक्टर होगा सेक्टर का मतलब है जो डिविशन ये पार्टीशन को कहते हैं सेक्टर ओके सो देखते हैं कैसे ये एनालाइज करना है देखो माइनस माइनस अब यहां आ गया आ गया अप्रैल सितंबर जनवरी मे सो अभी देख रहे हैं ये फोर्थ मंथ फोर मंथ्स ऑफ प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन हुआ है इसमें से ज्यादा कौन सी मंथ हुआ है देखो ये है क्या ज्यादा ये ग्रीन वाला पर्पल वाला नहीं क्योंकि जान अप्रैल ही बहुत ज्यादा सेल्स हैं क्योंकि देखो यही मोस्ट ऑफ द पाई कवर कर रहा है पाई इज कवर्ड बाई एप्रिल सो उसी टाइम पे बहुत ज्यादा सेल्स हुआ है और देखो कि कौन सा है बहुत छोटा सा देखते हैं कौन सी मंथ में बहुत ही कम सेल्स हुआ है कौन सी मंथ में पर्पल का कलर कौन सा है लेजेंड में जाके देखना है ऑलवेज वेन आई रेफर टू अ कलर आपको लेजेंड में जाके देखना है क्या लिखा है लेजेंड के नेक्स्ट पे सो so, वही आपका आंसर होगा ओके okay? सो so, देखो यहाँ पे जो है जो छोटा सा है वो है ये वाला सेक्टर ये वाला सेक्टर का कलर क्या है पर्पल है पर्पल के पास क्या लिखा है लेजेंड में मे तो सबसे बहुत कम सेल्स कब हुआ था मे मंथ में हुआ था ओके ऐसे ही हम लोग चार्ट्स को एनालाइज करते हैं एनालाइज करने के बाद क्या होता है हम लोग ये पिक्टोरियल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं जो आप आप तो ये टेबल ऑफ फॉर्म में डाल रहे हो सोचो कि टेबल में डाल रहे हो इस मंथ में इतना सेल्स हुआ इस मंथ में इतना सेल्स हुआ जो देख रहे हैं उनको बहुत ही बोरिंग लग जाता है मगर ऐसा वाला वो पिक्चर दिखाओगे या चार्ट दिखाओगे वो बहुत ही एडवांटेजेस बनता है क्योंकि हम लोगों को यहां पे पिक्चर फॉर्म में दिखता है ये तो कलर्स का डिफरेंस देख के पिक्चर के फॉर्म में दिखता है क्या दिखता है हमें वी आर एबल टू सी द डिफरेंस कौन से मंथ में ज़्यादा सेल्स हुआ कौन से मंथ में आई मीन I mean, बहुत ही कम सेल्स हुआ और किस में मीडियम सेल्स हुआ वो सब देख सकते हैं ये देखने से क्या मिलता है हम एनालज कर सकते हैं और देख सकते हैं मे में कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है सो so, सब कुछ आइडियाज अनालन सब कुछ कहाँ पे होता है ये चार्ट में होता है

Until then, bye bye.